दोस्तों, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं का निर्यातक देश है। भारत हर साल लाखों टन गेहूं का निर्यात करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे देशों तक गेहूं की सप्लाई होती है और उनकी गेहूं की जरूरत पूरी की जाती है। हाल ही में जब भारत ने ही गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी, तब विश्व के कई देश एक साथ मिलकर भारत के ऊपर दबाव बना रहे थे ताकि भारत गेहूं की सप्लाई एक बार फिर से शुरू कर दे, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की सप्लाई के मामले में कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अब मौके का फायदा उठाते हुए भारत एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का खाद्य पदार्थ और गेहूं का निर्यात भी बढ़ेगा। लेकिन भारत को अपने खेतों से ज्यादा गेहूं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं भेजना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, भारत ने अब यह फैसला किया है कि हम एक बार फिर से रूस का गेहूं खरीदना शुरू करेंगे, जिसे भारत के अंदर प्रोसेस किया जाएगा और तब इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई करना एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। यानी कि भारत रूसी गेहूं को खरीद कर उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने नाम से सप्लाई करेगा, जिससे तो भारत रशिया से काफी बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खरीद करेगा। वहीं इनकी सप्लाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने से भारत की निर्यात भी काफी तेजी से बढ़ेगा। दोनों ही सूरत में ये भारत के लिए एक विन-विन सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि भारत पहली बार रूस से गेहूं की खरीद करने वाला है। इसके पहले भी भारत रूस, ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन जैसे देशों से काफी बड़ी मात्रा में गेहूं की खरीद करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से भारत ने इन देशों से गेहूं की खरीद को रोक रखा है। हालांकि इस बात का यूक्रेन युद्ध से कोई भी कनेक्शन अभी तक तो सामने नहीं आया है। अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो साल 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर में भारत ने कुल मिलाकर 364.5 मिलियन टन गेहूं का आयात किया था, जिसमें से 86.87 मिलियन डॉलर की गेहूं की खरीद रूस से की गई थी। वहीं पर 148.93 मिलियन डॉलर का गेहूं ऑस्ट्रेलिया, जबकि 125.63 मिलियन डॉलर का गेहूं यूक्रेन से खरीदा गया था। यहां पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये आंकड़े आज से 4 साल पहले के हैं, यानी कि अभी इनका आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया होगा। जहां एक तरफ यूक्रेन युद्ध की वजह से विश्व के कई सारे देश रूस से गेहूं और तेल का इम्पोर्ट नहीं कर रहे, वहीं पर भारत इसका फायदा उठाकर रशिया से सस्ती कीमतों पर काफी भारी मात्रा में गेहूं की खरीद कर सकता है और इन्हें भारत के अंदर प्रोसेस करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात किया जा सकता है, जिससे भारत के खाद्य पदार्थों के निर्यात को काफी बड़ा इजाफा मिलेगा। भारत ने कुछ ऐसा ही खेल रूस के तेल के साथ भी किया था, जब भारत ने काफी बड़ी मात्रा में रशियन ऑयल और नेचुरल गैस को आयात किया और इन्हें भारत के अंदर प्रोसेस करके कई अलग अलग तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात कर दिए, जिनमें से कुछ तो अमेरिका को भी निर्यात किए गए थे। और इस मुद्दे को लेकर अमेरिका ने भारत के साथ बातचीत भी की थी, लेकिन भारत ने इसके ऊपर कोई खास बयान नहीं दिया और ये बात साफ कर दी कि भारत अपने व्यापार को लेकर किसी भी देश के साथ समझौता नहीं करेगा। जब भारत को मौका मिला, तब भारत ने सस्ती कीमतों पर रूसी तेल खरीदा, उन्हें भारत के अंदर अपनी मेहनत से प्रोसेस किया और बिल्कुल कानूनी तरीके से उनका निर्यात भी किया। इसमें कुछ भी गलत नहीं है और इसीलिए भारत ने न तो अमेरिका की सुनी और न ही यूक्रेन और पश्चिमी देशों की। दोस्तों, खाद्य पदार्थ और गेहूं भारत के कुछ सबसे बड़े निर्यात में से एक है, इसीलिए अगर भारत रूस से सस्ती कीमतों पर गेहूं की बड़ी मात्रा की खरीद करता है तो इससे भारत को काफी फायदा होगा, क्योंकि तब हमें अपने खेतों से गेहूं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं भेजना पड़ेगा, जिससे भारत के अंदर बुरे से बुरे हालातों में भी खाद्य पदार्थ की कमी नहीं होगी। हालांकि ऐसे हालातों के लिए भारत पहले से भी तैयार है, लेकिन हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए रशिया से गेहूं खरीदना एक काफी अच्छा विकल्प बनकर सामने आ रहा है, जिसकी शुरुआत काफी जल्दी की जा सकती है। वहीं पर अगर मौजूदा हालातों को ध्यान से देखा जाए तो इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि यूक्रेन युद्ध के बाद जहां एक तरफ सभी यूरोपियन देश और अमेरिका के संबंध रूस के साथ लगभग खत्म होने पर आ गए हैं, वहीं पर भारत और रूस के संबंधों ने इतनी तेजी से विकास किया जिसके बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं था। भारत और रूस का व्यापार भी पहले के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा बढ़ चुका है। रूस भारतीय तेल बाजार का 16% का हिस्सेदार बन चुका है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। हालांकि ये आंकड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन केवल 2 सालों के अंदर ही इस उपलब्धि को हासिल करना भारत और रूस के संबंधों के लिए काफी अच्छा है। अगर भारत और रूस का व्यापार इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो भविष्य में दोनों देशों का व्यापार केवल कुछ ही सालों में $30 अरब को भी पार कर सकता है, जो कि भारत और रूस के संबंधों को पहले के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा मजबूत कर देगा, क्योंकि दो देशों के संबंध तब तक ही मजबूत रहते हैं जब तक दोनों देशों को एक दूसरे से आर्थिक फायदा दिखता है। हालांकि दो देशों के संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए और भी कई सारे कारण होते हैं, लेकिन आर्थिक कारण को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसीलिए फिलहाल के समीकरणों को ध्यान से देखा जाए तो भारत और रूस के संबंध काफी तेजी से विकास कर रहे हैं, जो कि दोनों देशों के लिए काफी अच्छा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से भारत द्वारा रूस के गेहूं को खरीद कर उसे वापस से बेचना क्या यह सही रणनीति है या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।